हरियाणा में अकाली दल करेगी भाजपा का समर्थन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नरवाना में की घोषणा। वहीं अकाली दल के राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलविंदर सिंह, हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष चरणजीत सिंह शोधी से मुलाकात की, जिसके चलते भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला, सिरसा लोकसभा उम्मीदवार सुनीता दुग्गल, अकाली दल विधायक बलकौर सिंह भी मौजूद रहे। वह सब लोकसभा चुनाव में संभावित समर्थन करेंगे और विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पहले से लगातार से रहता है और दिल्ली स्टेट में भी रहता है, पंजाब में भी रहता है, हिमाचल में लगातार पहले से ही हमारा अलायंस चलता है। हरियाणा में पहले जो अलायंस नहीं था, इसलिए अब जो ये अलायंस है, ये हम हरियाणा में भी इकट्ठे पार्लियामेंट में भी इकट्ठे जोड़ लेंगे और असेंबली में भी इकट्ठे जोड़ लेंगे। लेकिन जो पार्लियामेंट है वहाँ हम इनकी सपोर्ट करेंगे, हमारा कैंडिडेट नहीं, लेकिन एक विशेष महत्वपूर्ण बात है जिसका कि आपने ध्यान बढ़ाया, वो ये है कि आज वाले दिन में हमारे पार्टी के साथ ही अकाली दल के हमारे सभी नेता, हाँ, सरदार बलविंदर सिंह जी गोंडल राज्यसभा के सदस्य हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अकाली दल के हैं, और इनके साथ हमारे अकाली दल के ही स्टेट इकाई के प्रधान हैं शरणजीत सिंह जी, और हमारे कलावाड़ी से मेरे भी हैं अकाली दल के मोहन मेहता जी, सारी सीनियर लीडरशिप है हमारे भी पार्टी की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष साथ में है सुनीता दुग्गल जो पार्टी की प्रत्याशी हैं, सिरसा लोकसभा क्षेत्र की हमारे स्थानीय जिले के अध्यक्ष भी हैं और जिले के कार्यकर्ता भी हैं यहाँ जिले के। आज इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे अकाली दल के साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बातचीत चल रही है, बल्कि सह स्वाभाविक हमारा तालमेल है, जैसे देश के बाकी प्रदेशों में है, पंजाब में जैसे हमारा सीधा सीधा एलायंसी है, उत्तराखंड में भी है, दिल्ली में मिलकर के चल रहे हैं, इसी प्रकार से पिछले वर्षों में हम हरियाणा में भले नहीं चल रहे थे, लेकिन इस बार हमने बनाया है कि हम हरियाणा में भी मिलकर चल रहे हैं। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश टीवी, ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।